अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि IELTS का इंटरव्यू किस टाइप का होगा और आप उसके लिए कैसे तैयार हो सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल हु हैव पास द टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये इंटरव्यू बहुत अहम है। ये बस ऐसे ही नहीं हो रहा, तकरीबन 550 बच्चे हैं, 550 में से सिर्फ 300 ही सिलेक्ट होंगे, यानी कि 250 बच्चे निकाल दिए जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा प्रोपोर्शन इसका निकाल लो तो तकरीबन हर दो में से एक बच्चा नहीं रहेगा इंटरव्यू में जो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लो कि ये बिल्कुल आप इसको इजी ना लो, इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाओ, ठीक है। जैसा आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पास कर दिया है, तो आप इसको ईजी लेकर आप आखिर में जाकर ये ख़त्म ना कर देना। आप इसको अच्छे से इसके लिए तैयार होकर जाओ और मैं आपको उसमें बता दूंगा कि वो क्या क्या चीज़ें लेंगे, देखना चाह रहे हैं वो आपके अंदर और वो किस बच्चों को रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा। देखो क्वेश्चंस तो नॉर्मली इंग्लिश में ही होंगे, लेकिन आप जवाब किस तरह दे रहे हो, अब अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस इनफ हो तो गो फॉर द इंग्लिश, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश में वो बात नहीं बनेगी तो आप उर्दू पे जाओ, लेकिन बायलिंगुअल रहो, ठीक है। इंग्लिश और उर्दू आप कॉम्पोजिशन में चलाओ, लेकिन इसके अंदर एक बात का ख्याल रखना कि कोई बच्चे इंग्लिश की तरफ चले जाएँ, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो अब मतलब जाहिर सी बात है इंटरव्यू हो रहा है, वो आपके आपकी शख्सियत को देखने के लिए हो रहा है, आपकी हर आपके जो ज़िंदगी से रिलेटेड दूसरी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हो रहा है, वो आप इंग्लिश में अच्छे से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। इंग्लिश तो हो गई लेकिन बाकी जो दूसरी चीज़ थी वो रह गई, ठीक है, जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाएंगे। वो बहुत अहम पार्ट है, ठीक है। तो इसको देख लेना कि अगर इतने कॉन्फिडेंस हो कि अपना हर चीज़ बयान कर सकते हो इंग्लिश में तो तभी इंग्लिश की तरफ जाओ। तीसरी बात यह है कि क्या कोई टेक्निकल क्वेश्चन होंगे? नहीं, ऐसा कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होगा। टेक्निकल बाय मीन के उन्होंने आपकी लॉजिकल थिंकिंग जितनी देखनी थी देख ली, उन्होंने आपकी इंग्लिश जो देखनी थी वो देख ली। अब वही है कि थोड़ी बहुत जब आप बोल रहे होगे तो उससे थोड़ी बहुत जज कर लें, वो भी उनका पर्पज़ ये नहीं होगा, ठीक है। उनका पर्पज़ अभी आपकी नॉलेज चेक करना या इस तरह की चीज़ें चेक करना नहीं है, उनका पर्पज़ है कि आपकी एक तो आपका बिहेवियर चेक करना कि आप कितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, दूसरी चीज़ आप इस प्रोग्राम के लिए कितने एनर्जेटिक हो, मतलब आप इसके लिए एंथुजियास्टिक हो कि नहीं हो, ठीक है। आप इस प्रोग्राम को कितना अच्छे से लेकर चल सकते हो, आपके पास टाइम है भी कि नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जज करेंगे वो इसके अंदर। लेकिन कोई टेक्निकल चीज़ें आप इंफॉर्मेशन बेस्ड इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चला जाता हूँ कि वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और आप उसके हिसाब से प्रिपेयर होकर जाओ। मैं थोड़ा सा पीछे की बिहाइंड द सीन फिलॉसफी भी समझाने की कोशिश करूँगा कि जो बंदा इंटरव्यूअर है वो उसके पीछे की फिलॉसफी है क्या, वो क्या चीज़ देखना चाह रहा है। आई हैव अटेंडेड 5 hours लॉन्ग मीटिंग विद IEC, तो आप समझ सकते हो कि मेरे को अंदर का मतलब पता है कि वो लोग अभी उनकी क्या मसले मसाइल हैं, जो स्टूडेंट के साथ उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही हैं, और वो फिर अब इस वाले बैच के अंदर वो चाहते हैं कि ऐसे बच्चे आएँ कि जिनके अंदर वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप वो करता हूँ। तो पहली तो क्वेश्चन आप समझ लो कि ये रट्टा मार के चले जाओ है कुछ भी हो जाओ, आप जब इंटरव्यू स्टार्ट करोगे तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे और कहीं पर भी होगे, यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन यही होगा। अब देखो कोई भी अगर आपका इंटरव्यू में पूछ रहा है ना कि अपने बारे में बताओ, तो अपने बारे में मतलब ये नहीं होता कि आपका बचपन कैसा गुजरा है या आप मेनली है कि कहाँ रह रहे हो, आपके कजन्स के साथ रिलेशन कैसे हैं, इस बारे में कोई नहीं पूछ रहा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछ रहा है कि आप उसके लिए उससे कनेक्टिविटी बताओ जिसकी भी चीज़ होगी, ठीक है। तो अपनी आप स्कूलिंग से स्टार्ट करो, कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, आपका जो हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ बाय मीन के वो जिस जो वो प्रोफेशनल लाइफ से टच हो रही हैं वो हॉबीज़, ठीक है। कोई कंचे खेलने की हॉबीज़ ना बताने लग जाना, ठीक है, तो बता दो तो कोई मसला नहीं है इस बारे में, वो कितना आप कॉन्फिडेंटली आप बता रहे हो और उसको उस कंचे खेलने को भी आप किस तरह प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हो, ये आपका आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये मेरी हॉबी है, इवन के वो रिलेट नहीं कर रही, लेकिन आप रिलेट करके दिखा दो कि इसकी वजह से मुझे ये स्किल मिली और मैं इसकी वजह से इस काम में अच्छा हुआ, ठीक है। तो आप इसको यूँ बना सकते हो, ठीक है, मैं कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा आपको कि ये बोलना है ये नहीं बोलना ये बोलना ये बोलना, ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बस पहला क्वेश्चन ये होगा और आपने ख्याल रखना है कि आप प्रोफेशनलिज्म को वहाँ पर करो कि आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये बात का लाजमी ख्याल रखना कि आप जो भी जवाब दे रहे हो उसमें से आपकी एनर्जी फॉर द प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर फॉर योर करियर हर तरफ हर तरह से आपकी ना बस बह रही हो, मतलब टपक रही हो, वह होते हैं ना एनर्जी के बस इसके लिए ही मैं बना हुआ हूँ, यही चाहिए था यही मिल गया, ठीक है। आपके हर जवाब में ऐसा मिले ये नहीं बार बार आप ये बोलो, लेकिन आपके जवाबों से ही मिल रहा हो कि हाँ बंदा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इस प्रोग्राम के लिए,
अब इसके बाद जब वो आपके बारे में जान लेंगे पूरा, तो उसके बाद जो अहम तरीन क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। ठीक है, जब आप जिस सवाल का जवाब दे रहे होगे तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना कि आप अपनी इंगेजमेंट्स को इस तरह बताओ कि उसमें से 4 से 5 घंटे आईसी के लिए निकलते हो। ये ना हो कि अपने आप को आप इतना इंगेज दिखा दो कि मैं इतना मसरूफ़ हूँ कि आईसी के लिए तो जगह ही नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी बात, एक कैटेगरी वो आएगी उन लोगों की जो कि जॉब कर रहे हैं। अब देखो, जॉब जो कर रहे हैं ना, वो अगर वो फुल टाइम है तो फुल टाइम में आपसे पहले ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि आप जॉब के साथ परसू करोगे या जॉब को छोड़ोगे। ठीक है, अब आप ही अपने हिसाब से जवाब देना। अगर जॉब छोड़ोगे तो फाइनेंशियल एड की तरफ जाना पड़ेगा आपको, आप उनसे ये बात कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि अगर जॉब नहीं छोड़ोगे तो क्या उस जॉब के साथ आप 4 से 5 घंटे आईसी को दे सकोगे। ये एक अहम क्वेश्चन है और टाइम का सबसे बड़ा मसला है अब आईसी के बच्चों के साथ, जो कि पिछले बच्चे हैं। तो वो वाला बच्चा देखेंगे जो कि फ्री है, जो स्पेंड कर सकता है अच्छा खासा टाइम आईसी के प्रोग्राम के लिए, तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 रखेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आसानी से दीजिएगा कुछ। और इसके बाद जो थोड़े कुछ जनरल क्वेश्चन होंगे, वेयर डू यू एक्सपेक्ट टू बी इन 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल में आप क्या, ये आप अपने हिसाब से कर लेना। बट अगेन वो जनरल चीज़ें लाजमी रखना, उसके अंदर आप करियर ओरिएंटेड हो, उसके अंदर आप एनर्जेटिक दिख रहे हो, आप अपने साथ सीरियस दिख रहे हो, अपनी लाइफ के साथ अपनी सोसाइटी के साथ सीरियस दिख रहे हो, ये चीज़ आपके जवाब में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें नहीं हैं तो आपका प्रायोरिटी डाउन करती चली जाएगी। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह हो सकते हैं, व्हाट डू यू वांट टू स्टडी एंड व्हाई, कि आप आईसी के अंदर जो आईसी के प्रोग्राम है उसमें पढ़ना क्या चाह रहे हो और वो क्यों पढ़ना चाह रहे हो। देखो, आप पढ़ना क्या चाह रहे हो ये तो आप अब तक डिसाइड कर चुके होंगे। इससे पहले मेरी वीडियो है कि अगर आपका कौन कौन सी फील्ड है उस तरफ चले जाओ। अब क्योंकि आपका हो चुका है तो अब तो आप हर फील्ड के बारे में अच्छा खासा पढ़ लो, खासकर जिसके बारे में आप जिसके लिए आप प्रोसीड करने जा रहे हो। ठीक है, ताकि उनको लगे कि बंदा ऐसे ही फारिग नहीं है, अच्छी खासी स्टडी करके आया है। अभी तो उसका एडमिशन नहीं हुआ, इसने अच्छी खासी स्टडी कर ली उस प्रोग्राम के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों करने जा रहे हो, उसको आप अपने मिशन से रिलेट करो। और वो बच्चे जो कि अभी स्टडी कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो अपने प्रोग्राम को किस तरह अपने डिग्री के साथ मैच कर रहे हैं, ये भी आप देख के जाइएगा। ठीक है, मतलब जैसे कोई एक बच्चा मेडिकल फील्ड के अंदर है और वो कर रहा है जैसे डेटा साइंस। ठीक है, अब मेडिकल फील्ड डेटा साइंस, आप बोलो कहाँ कैसे रेट मैच करोगे आप इसे, मतलब आप मेडिकल में जाओगे डेटा साइंस में जाओगे, तो आपके पास कोई अच्छा जवाब होना चाहिए। अब देखो, मेडिकल में जितनी भी स्टडीज़ होती हैं उनके साथ डेटा होता है, तो आप मिला सकते हो कि हाँ, इस डेटा साइंस की स्किल को मैं मेडिकल के अंदर इस फील्ड के अंदर मैं ये करना चाह रहा हूँ और इसको इस पॉइंट पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे डेटा एनालिसिस आनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपका अब स्किल होगी कि आप इसको कितना अच्छे से उनके साथ रिप्रेजेंट करते हो। हो सकता है मेडिकल, मुझे नहीं पता इंटरव्यू क्या होगा, अगर आप मेडिकल के हो तो उसको मेडिकल का इतना नहीं पता। ठीक है, अब आपने उसको अच्छे से बताना है कि किस तरह वो हो रहा है वो। ठीक है, बाकी आप पर। ठीक है, अच्छा फिर आएगा वाई आईसी, क्यों आईसी क्यों। ठीक है, अब आप अगर सिर्फ ये बताओगे ना कि क्योंकि फ्री है, क्योंकि ये फाइनेंशियल एड दे रहा है, तो इस वजह से आप देखो, ये एक कम एनर्जेटिक बंदे का है कि उसको बस इस वजह से है कि फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो अब आईसी के साथ आपका रिलेशन इस वजह से कौन क्वालिटी होना चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स किस तरह के हैं इस वजह से होना चाहिए, मतलब कोई ऐसी वजह दिखे कि आपको लगे कि ये बंदे को कोई और भी कुछ भी ऑफर हो रहा होगा ना, ये आईसी को छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आईसी में सिर्फ फ्री देख के नहीं आया, ये फ्री देख के आया तो फिर कल दूसरा फ्री मिल जाएगा वहाँ चला जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आईसी के साथ आपका रिलेशन कोई रिजिड बुनियादों पे होना चाहिए। वो रिजिड बुनियादें ये आपकी स्केल है, वो आप किस तरह लें, तो मैं अब बिल्कुल A1-to-1 नहीं गाइड कर सकता, तो ये पता चलेगा सारे एक ही जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, एक ही जैसे जवाब आ रहे हैं। तो आप ये सोच के जाओ कि वो रिजिड बुनियादें क्या होंगी जब आईसी को आपने को अप्लाई कर रहे हो, कि वो क्वालिटी है, वो एक कंसिस्टेंसी है, वो टीम है, कितनी अच्छी टीम है, वो टीचर टीचिंग स्टाफ है, वो क्या चीज़ है। ठीक है, वैसे मैं बता ही चुका हूँ जो भी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कि अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई आर यू द बेस्ट पर्सन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखो, अब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मेन चीज़ जो ये चेक कर रहे हैं ना, वो है कि आप कितने मोटिवेटेड हो प्रोग्राम के लिए। अब खुद मुझसे पूछो ना, मैं भी जब कोई हायरिंग कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे लिए पहले होता है कि बंदा स्किलफुल हो, लेकिन सिर्फ स्किलफुल बात नहीं बनती। ठीक है, कई मौक़ों पर तो मैं ये करता हूँ कि स्किलफुल नहीं भी है, उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग इंग्लिश आती है, उसको लॉजिकल थिंकिंग है, सोचना समझना आता है ना, सिखा मैं दूंगा, वो मेरे पास 1-1.5 महीना रहेगा, सीख जाएगा जो भी मैं अपना काम करवाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा बंदा हो जो कि बस मर रहा हो,
ठीक है, कई ऐसी मैंने हायरिंग की हैं कि बस वो पीछे लग गया कि करना है करना है, आप यूँ करवा दो, अब इस टाइमिंग में बुला दूँ तो ना टाइम पे इशू ना किसी और चीज़ पे इशू, बस करना है करना है करना है। तो जब बंदा इतनी मोटिवेशन देखता है ना कि काम के लिए बस बंदा कर रहा है यार, मतलब हर चीज़ करने के लिए तैयार है, तो बंदा कम स्किल वाला भी बंदा उठा लेता है। चलो यार, इसको अगर इतनी मोटिवेशन है और इतना अगर वो इस प्रोग्राम के लिए मोटिवेटेड है, इस काम के लिए मोटिवेटेड है, तो ये तो महीने में कर लेगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने अपनी मोटिवेशन दिखानी, आपके हर जवाब में ये चीज़ हो कि आप पता चले कि आप एक मोटिवेटेड हो, आप एक मिशन विजन लेकर आ रहे हो कि आपका प्रोग्राम क्यों आपकी ज़िंदगी पैक करने वाला है, आपकी ज़िंदगी क्या चेंज करने वाले हो, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए उसके थ्रू क्या करने जा रहे हो। ठीक है, तो एक अच्छा सा विजन लेकर जाओ और अच्छी मोटिवेशन लेकर जाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन, हर चीज़ में एक मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लाजमी कर लो। ठीक है, अब मैं लास्ट में आ रहा हूँ वो चंद सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटेड है। ठीक है, ये तो आपसे पूछे जाएंगे और ये इनके तो आप समझ लो कि इसी के बेस के ऊपर ज़्यादा बड़ा फैसला होगा। ठीक है, एक तो मैं जैसा मैं बता चुका है कि आपकी मोटिवेशन, आपका विजन वगैरह देखा जाएगा इन सवालों के थ्रू। ठीक है, इन सवालों के थ्रू आपसे इन्फॉर्मेशन कम और ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा देखी जाएगी। फिर आपसे देखा जाएगा कि आप जितना कमिट टाइम कर रहे हो कि क्या वाकई दोगे, तो अगर आपने बोल दिया कि नहीं देंगे तो फिर वो आखिरी इंटरव्यू होगा आपका ICK में। ठीक है, इंटरव्यू के क्लास वगैरह ख़त्म, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर आपने फॉर्म फिल किया है, जिसने ये फॉर्म में लिखा ही नहीं कि मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, उनको तो डायरेक्टली ऑटोमेटेड रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, फिर दूसरी बात ये होगी कि क्या आप इस प्रोग्राम के बाद करना क्या चाहते हो, क्यों करना चाह रहे हो प्रोग्राम। ठीक है, और फिर वो पूछेंगे कि क्या जॉब करना चाहते हो। ठीक है, और अगर आप बोलो नहीं मुझे जॉब ही नहीं करनी है, मैं तो बस ऐसे ही तफरी के लिए आया हूँ, हो जाएगा, अच्छा होता है, पढ़ना अच्छा होता है। ठीक है, पढ़ते बंदे को पढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये पहले नंबर पे रिजेक्ट होगा ये बंदा। क्यों? क्योंकि वो इतनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ तफरी के लिए नहीं कर रहा है, उनको वो बंदा चाहिए जो कि इस प्रोग्राम में हिस्सा बने, एनर्जी के साथ पढ़े, मोटिवेशन के साथ पढ़े और जाकर या जॉब हासिल करे या फ्रीलांसिंग करे या कोई स्टार्टअप करे। और क्यों करे ये सारी चीज़ें? आप ये काम करोगे तो आपका सोसाइटी पे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, वरना किसी को पढ़ा के क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो फिर एक दस्तखान लगा के लोगों को रोटी खिला दे। अगर वो आप पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि वो कुछ सोसाइटी के लिए करना चाह रहे हैं, और अगर सोसाइटी के लिए कुछ हो ही नहीं रहा तो वही बात है कि किसी को पढ़ा के वो क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर रहे हैं, जब उसने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट ही नहीं करना किसी फॉर्म में। तो आप ये कैलकुलेट करके जाना कि आप इससे सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और आप बाकी जॉब, फ्रीलांसिंग या फिर आप स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। अगर स्टार्टअप में हो तो फिर आप अच्छे प्लान के साथ जाना, स्टार्टअप वाला कुछ इतना सा नहीं कि मैं स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, नहीं, आपको इसका स्टार्टअप करना चाह रहे हो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं है, आपका बस पढ़ना है और देखेंगे स्टार्टअप भी हो जाएगा। अगर स्टार्टअप की आप बात करें तो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि किस तरह इस फील्ड को, कौन सा मेरा आइडिया है उसमें किस तरह एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, वरना आप स्टार्टअप को फिर ना छेड़ो। ठीक, फ्रीलांसिंग में वो होगा कि फ्रीलांसिंग ही क्यों, जॉब क्यों नहीं, आपके पास इन सारी चीज़ों का जवाब हो। देखो, इन लास्ट में आपको एक सबसे अहम तरीन बात बता दूँ, जितने भी ये इदारे काम कर रहे हैं ना, चाहे वो सैलानी काम कर रहा है, चाहे वो जो डिजी स्किल है वो काम कर रहा है, चाहे PIAIC काम कर रहा है, चाहे ये IEC वाले काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग काम कर रहे हैं BMJ और सुफा में, इन सारे इदारे जो नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, इनका जो सबसे बड़ा मसला, इवन के नॉन प्रॉफिट का जो प्रॉफिट मेकिंग है उनका भी ये बहुत बड़ा मसला है, वो है रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट के है कि जितने बच्चे आते हैं और जितनी एनर्जी के साथ आते हैं वो टिकते नहीं हैं। IEC के साथ भी है कि तकरीबन 30-40% बच्चे पिछले प्रोग्राम्स के अब तक जा चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं प्रोग्राम, वो ना अटेंडेंस उनकी होती है, ना वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, ना कुछ करते हैं, वो शुरू में शौकिया आ गए, एनर्जी दिखाई, एक दो महीना पढ़ा, उसके बाद आए। इसी तरह लास्ट टाइम हम लोग कुछ 2-3 हफ्ते पहले हम ज़िया खान से जाकर मिले थे, ज़िया खान आपको पता होगा PIAIC को चेयर कर रहे हैं और सैलानी को भी वही हेड करते रहे हैं ज़माने तक, अभी भी वही कर रहे हैं तकरीबन। तो ज़िया खान से जब हम जाकर मिले तो उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम शो की वहाँ पर, कि बच्चे मूड में ही नहीं है पढ़ना, मतलब उन्होंने तो सिवा यह पढ़ा कि बच्चे चाहते ही नहीं है पढ़ना, वो इतने वो हद तक डिप्रेस थे। हालांकि आप देख लो कि अभी उन्होंने स्टेडियम के अंदर 25,000 बच्चों का टेस्ट लिया और अभी तक वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका आगे से रिएक्शन नहीं था कि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं, बच्चे पढ़ने ही नहीं चाहते। तो इस तरह मैं आपको सिर्फ 2018 की जो डेटा मेरे पास आया था सैलानी का, तो उसमें देख दो, उसमें वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में 450 बच्चों ने एडमिशन लिया, इनरोल नहीं किया, मतलब इनरोल तो हज़ारों ने किया था, फिर उसके बाद टेस्ट दे के 450 का एडमिशन हुआ,
ठीक है, जितना अभी आईसी में 300 बच्चों का एडमिशन होगा, तो उनमें 450 बच्चों का एडमिशन हुआ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, और 8 महीने बाद सर्टिफिकेट लेने वाले सिर्फ 35 बच्चे थे, यानी कि सिर्फ 8% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो सर्टिफिकेट तक रहा, आखिर तक रहा, बाकी टाइम टू टाइम छोड़ के जाते रहे, क्यों, क्योंकि कोई पेमेंट नहीं थी। ठीक है, आप एपटेक को देख लो कि वो इसी प्रोग्राम के 1 महीने के 7,000 रुपये चार्ज कर रहा है, तो 6,500-7,000 रुपये वो 1 महीने के चार्ज कर रहा है, तो वहाँ पर, और दूसरी बात जहाँ पर वो मतलब 0 रुपये हर चीज़ मतलब फ्री हो रही है, और वहाँ पर क्या है कि 450 बच्चों में से सिर्फ 35 बच्चे ने सर्टिफिकेट लिया, तो ये सबसे बड़ा इशू है। हमारे यहाँ पर भी इशू है, हर जगह ये इशू है। और अगर आपने, अब ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, किसी के पास कोई कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कि वो जज कर सके ये बच्चा आखिर तक चलेगा नहीं चलेगा, ये बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, तो बंदा सिर्फ बंदे को देख कर ही बता सकता है कि यार एक आइडिया कर सकता है, फोरकास्ट कर सकता है। तो अब फोरकास्ट में अगर वो बंदा पहले ही एनर्जी इतनी कम दिखा रहा हो कि नहीं मेरे टाइम है, मैंने उसको भी देना है, मैंने इसको भी देना है, मैं देखूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं यूं, मैं नहीं होगा, जाहिर सी बात है बंदे में एनर्जी नहीं दिख रही, लेकिन एक बंदा पूरी एनर्जी के साथ बोल रहा है कि मैंने ये करना है, मेरे इतनी ज़रूरियात भी है, मैंने किसी भी हालत में यहाँ तक पहुँचना है, मैंने अपने फैमिली को सर्व करना है, मैंने अपने आप को सर्व करना है, मैंने करियर अपना अच्छा बनाना है, मैंने मतलब एक एनर्जी खुद ही दिख रही होगी, मतलब ये बंदा है कुछ करेगा ये, ठीक है, ये टिकेगा, ये आगे तक आखिर तक जाएगा। ठीक है, तो ये आखिरी वाली बात आपने समझ लेना है, तो आपको पूरी फिलॉसफी समझ आ गई कि वो चाह क्या रहा है। ठीक है, कि बच्चा ऐसा हो जो आखिर तक चले, जो आखिर में जॉब जाए, फ्रीलांसिंग जाए, स्टार्टअप की तरफ जाए, सोसाइटी को सर्व करें, इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कुछ निकले भी तो सही। आपको इतना बड़ा हम यूनिवर्सिटी से एक टक्कर ले रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी की अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप आओ 6 महीने 8 महीने पढ़ो, जॉब पे लैंड हो। ठीक है, तो जब एट द एंड रिजल्ट ही नहीं निकलेगा तो फिर इतनी इन्वेस्टमेंट जो ये लाखों करोड़ों रुपया लग रहा है तो उसका फ़ायदा। ठीक है, तो एट द एंड उनको ऐसे एनर्जेटिक बंदे चाहिए, सीरियस मेच्योर प्रोफेशनल बंदे चाहिए। तो आप इसको, आप इन सारी बातों को आप जहन में रख के जाइएगा, और ये खासकर लास्ट वाली मैंने आपको फिलॉसफी बताई कि पीछे बिहाइंड द सीन फिलॉसफी क्या है, वो किस तरह का बंदा चाह रहा है। अगर आपने ये सारी बातें अच्छे से टैकल कर दी तो इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, आप आराम से इंटरव्यू पास कर लोगे, अगर आपने सारी बातों पर अच्छे से अमल किया और अपना एक इंटरव्यू डिज़ाइन करके गए अच्छे से। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, जजाकअल्लाह।